आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है, चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए, लीजिए। क्या जमाना आ गया? क्यों, क्या हो गया? दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। नोएडा के पौश इलाके में दो इंगेस्टर्स सेल्स बैन बनकर घर में घुसे और उन दोनों को मार दिया। घर का सारा सामान लूट कर ले गए। अभी कुछ ही दिन पहले की बात, मिस्टर सोलंकी अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह घूमने निकले थे, तभी दो इंगेस्टर्स अपनी बाइक से आए और मिस्टर सोलंकी की गले की चैन छीनने लगी। जब मिस्टर सोलंकी ने उनका विरोध किया तो चारों से उन्हें घायल कर दिया और चैन छीन कर भाग गए। हे बाप रे, क्या जमाना आ गया है, इन चोरों चौकों को किसी का डर ही नहीं। आज की नौजवान पीढ़ी पूरी की पूरी बर्बाद है और बर्बादी फैला रही। मॉरल वैल्यूज तो कुछ रही नहीं गई। बुजुर्गों की इज्जत करना छोड़, उन्हें मारते पीटते और लूट कर सारा सामान लेकर चले जाते, क्योंकि बुजुर्ग ही सबसे आसान शिकार होते हैं इनके। जाने भी दीजिए, क्या सुबह सुबह ये सब बातें लेके बैठ गए? अरे यहाँ पर लापरवाही की जरूरत नहीं है, सतर्क होने की जरूरत है। नहीं एक दिन हमारी भी खबर इसी तरह छपेगी कि सारा सामान लूट कर ले गए और हमें मार दिया। ए, आप क्या आप सब उनकी बातें करते हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात मानती हूँ कि जब हमने ही किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होने देंगे। अच्छा, अखबार को किनारे पर कीजिए और चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, मेरा नाम आकाश है, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ। मैंने पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। वो अग्रवाल जी वाले फ्लैट में, मैं कल ही शिफ्ट हुआ। अच्छा, तो अग्रवाल साहब ने बैचलर को रूम दे दिया। आज ही सोसाइटी सेक्रेटरी से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, दरअसल आप गलत समझ रहे हैं, हम किराएदार नहीं है, मेरी फैमिली है। वो अग्रवाल साहब मेरे दूर के मामा जी लगते हैं। हमसे मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? हाँ अंकल, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है। अच्छा, तो हमसे क्या काम है? अंकल थोड़ा पीने का पानी चाहिए। पानी तो सुबह आता है ना? सुबह कहाँ अंकल, बहुत सुबह आता है, इतना अर्ली मॉर्निंग कौन उठता है। अच्छा, तो 8 बजे तुम्हारे लिए अर्ली मॉर्निंग होता है? अंकल वो बात ये है ना कि हम लोग लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, तो सोते सोते 3-4 बज जाते हैं, तो उठने में 10-11 बज जाता है, इसलिए पानी भरना भूल गया। थोड़ा पीने का पानी दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू अंकल। ये अंदर क्या झांक रहे हो? अरे सच सच कहूं अंकल, तो वो अचार भी मेरी नजर पड़ गई। मुझे घर का अचार बहुत पसंद, थोड़ा सा मिल सकता है क्या? अच्छा रुको, मैं देती हूँ। थैंक यू आंटी। क्या जरूरत है उसे अचार देने की? ये अचार ही तो मांगा है ना, कहाँ सोना चांदी मांग रहा है। अरे आज अचार मांगा है, हेलो दोस्ती बढ़ाएगा, घर में आना जाना शुरू कर देगा और फिर तुम्हारा सोना चांदी भी लूट के ले जाएगा। ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उसने बताया ना कि अग्रवाल साहब का रिलेटिव है। अरे अग्रवाल साहब का रिलेटिव है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसकी नीयत कभी खराब नहीं होगी? ठीक है, मैं जानूंगा। रुको, तुम रहने दो, मैं देख लेता। थैंक यू अंकल।
वैसे आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं क्या? तुम्हें इससे क्या, हमारे तीन बेटे हैं, एक पुलिस में है, दूसरा बॉडी बिल्डर है और तीसरा रेसलर है, पास ही की बिल्डिंग में रहता है। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। आपको क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि हमारे तीन बेटे हैं, एक पुलिस में, एक रेस्टलिंग, एक बॉडी बिल्डर? ताकि उन लफंगों के दिल में डर बना रहे। डर तो आपके मन में भरा पड़ा है, और वो भी बहुत ज्यादा, बिना वजह। और आपको क्यों लगता है कि वो लफंगा है? अरे लफंगे ही नहीं, नशेड़ी भी है। आज तुमने अचार दिया है, देखना वो कल से घर आने जाना शुरू कर देगा और सारा सामान लूट कर ले जाएगा। ठीक है। क्या ठीक है, देखा घर की कैसे टोल ले रहा था, एक दिन घर में घुसेंगे और सारा सामान लूट कर ले जाएंगे। जिस दिन गला कट जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा, तब पूछूंगा कि क्या ठीक है। अच्छा, अब तो शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं। अच्छा छोड़ो, अब चाय दूसरी ले आओ, वो ठंडी हो गई है। ठीक है, लाती हूँ। बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते हुए क्राइम से कुछ बुजुर्गों को यंगस्टर्स से डर लगता है। बुजुर्गों को लगता है कि आज के समाज में यंगस्टर्स अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे में बुजुर्ग लोग आसान टारगेट होते हैं। ढलती उम्र के साथ साथ सिर्फ शरीर ही नहीं, विल पावर भी कमजोर पड़ जाती है, और भारद्वाज साहब के साथ भी यही हो रहा था। उन्हें यंगस्टर्स की बेलगाम सोच से बहुत डर लगता था। इतना ज्यादा डर लगता था कि उन्हें फियर ऑफ यूथ हो गया था। क्या उनका ये डर बेबुनियाद था, या फिर किसी आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था? आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। खिड़की सब दरवाजे बंद कर दिए। बैठिए बैठिए, इस सेब काट कर खाइए, नाश्ता कीजिए। अरे सेब की छोड़ो, ये बड़े ही बदमाश लोग हैं, मैंने कहा था ना ये नशेड़ी भी हैं। या इनका जरूर कोई गिरोह होगा, रात में अड्डा जरूर लगता होगा, क्योंकि बूढ़े ही लोग इनका आसान टारगेट होते हैं। अब हमें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अब से हमें अपनी सेफ्टी के लिए चाकू भी रखना पड़ेगा। और सुनो, तुम बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलोगी? अरे आप शांत हो जाइए, अभी से क्यों इतना घबरा रहे? तो क्या उस दिन का इंतजार करें जब लड़के हमारे गले पर चाकू रख देंगे, या गला कट जाने दें? हर समय हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज से इस चाकू अपनी सेफ्टी के लिए हर समय अपने पास रखेंगे। हे भगवान। जब भी टीवी खोलो बस लूट पाट हत्या, इसके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं। क्या है अब? अंकल वो अचार लेके गया था ना मैं कल, तो कटोरी वापस करने। अच्छा ठीक है ठीक है, और सुनो किसी न किसी बहाने यहाँ आने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? अरे दूर रहा करो हम लोगों से। लेकिन अंकल। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से, जब देखो तब यहाँ चले आते हैं।
इतना परेशान हो रहे हैं? ये लड़के अग्रवाल जी के रिलेटिव हैं। अब आप ही बताइए, ये लड़के कुछ भी गलत करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे? अरे खुद कुछ नहीं करेंगे, इनका पूरा का पूरा गिरोह होता है, किसी को भेज के करवा देंगे। अरे जब हमारा गला कट जाएगा उसके बाद ये पकड़े जाए ना पकड़े जाए इससे क्या, अरे हमारा तो टिकट कट जाएगा ना। अब क्यों घूम फिर कर मर्डर पे आ जाते हो? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? हैं? हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। हे भगवान। मुझे मालूम था तुम यही करोगे, पहले दिन से मुझे मालूम था तुम्हारी नियत क्या है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं और तुम्हें जेल भिजवाता हूं। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हिलना मत। मैं तो डर गया। अंकल, ये चाकू से ना सेब काटना जाकर आपकी अतड़ियां काटने का इंतजाम हम करते। ये चाकू जब इस बुड्ढे के पेट में जाए ना तो घर से बाहर आवाज जानी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, आप क्यों इतना चिल्लाए? आकाश, आकाश, आकाश हम पर कभी भी हमला कर सकता है। ये दोनों लड़के हमें मारने का पूरा प्लान बना चुके हैं। मुझे पक्का यकीन होता जा रहा है इनका अगला शिकार हम दोनों ही हैं। आप बिना नींद में भी ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं। मैं सही सोच रहा हूँ। मैं इन दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ। देखना हम दोनों का एक दिन कांड हो जाएगा। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि कल सुबह चल के पुलिस स्टेशन चलो। चलेंगे पुलिस स्टेशन चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको काउंसिलिंग के लिए डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। नहीं देखिए प्लीज, आप मना मत कीजिए, आपको मेरी कसम। बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेरे पति की सोच, इनका डर। इनको हर समय लगता है कि हर जवान लड़का इनको नुकसान पहुंचाएगा, लूट लेगा, मार देगा। दरअसल डॉक्टर, मेरी वाइफ दिल की बहुत साफ, उसे लगता है कि दुनिया में हर आदमी अच्छे, पर सच्चाई ये नहीं है। हजार हजार रुपए के लिए गुंडे बदमाश लोगों को मार देते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बुजुर्गों के साथ लूटपाट के हजारों मामले सुनने में आते हैं। अंकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत से केसेस में होता है, लेकिन इस वजह से पूरी यंग जनरेशन को अपना दुश्मन मान लेना ये भी तो ठीक नहीं। क्या आपके कोई बेटा या बेटी है? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल आपने इनकी दुखती रग पकड़ ली। हमारा एक बेटा है रोहित, हमने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला। रोहित को पढ़ाने के लिए इन्होंने लोन ली और अमेरिका भेजा। वहां अच्छी नौकरी लग गई और वहीं पर
किसी फिरंगी लड़की से शादी कर ली। हम अपनी बहू को दोष नहीं देते। जब अपने बेटे रोहित को ही अपने माँ बाप के प्रति ज्यादा मोह नहीं था, उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया, और ये दुख मुझसे ज्यादा इनके दिल को चोट पहुंचा गया। हमें प्रॉब्लम उन गैंगस्टर से है जो अपने बड़ों को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए मां बाप तक से रिश्ता तोड़ लेते हैं। मिस्टर भारद्वाज, आपका जो फोबिया है, फियर ऑफ यूथ, उसकी वजह है आपका खुद का बेटा। मिस्टर भारद्वाज, एक तरफ तो आप अपने बेटे को मन से माफ नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात, आप ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपका बेटा रोहित आपको छोड़ चुका है, आपको भूल चुका है। तो सबसे पहले आपको इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक बात पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि गलती करने वाले को किसी ना किसी दिन अपनी गलती पर पछतावा जरूर होता है, और अगर पछतावा ना भी हो तो उसे अपनी गलती का एहसास तो जरूर होता है। और अगर रोहित को किसी दिन अपनी गलती पर पछतावा हुआ तो वो खुद ब खुद आपके पास आएगा, आपसे माफी मांगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो इसे भुलाकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अंकल, आपको हर यंग लड़के में रोहित को देखना बंद करना पड़ेगा, और जिस दिन आप ऐसा कर पाएंगे, यकीन मानिए आपका आपका डर, आपकी नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। कहते हैं बड़े बुजुर्गों से हमें सीखने की जरूरत है, बिल्कुल सही कहते हैं, पर सीखने का प्रोसेस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी कभी बड़े बुजुर्गों को भी सीखने की जरूरत पड़ जाती है। हरवंश राय साहब की एक पोयम है, जो बीत गई तो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। बेटे ने जो रिश्ता तोड़ दिया था, भारद्वाज साहब को उसे एक्सेप्ट करना अभी बाकी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरह सोच तुरंत बनती नहीं है, उसी तरह तुरंत बदली भी नहीं जा सकती। भारद्वाज साहब की सोच बदलने के लिए किस्मत का एक आखिरी पैंतरा चलना अभी बाकी था। शांति, शांति कहां चली गई? शांति, शांति कहां चली गई? शांति, शांति शांति, अरे कहां चली गई? कहां देखें? कहीं उन लड़कों ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, उसके गहने मैंने छीन कर कहीं उसे मार न डालें? अरे गहने जाए बाढ़ में, उसको सही सलामत छोड़ दे, यही बहुत है। हे भगवान, अब क्या करें? हे भगवान, शांति को सही सलामत घर भेज देना। शांति, शांति कहां चली गई? शांति, शांति अंकल, अंकल 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 क्या हुआ? अंकल अंकल अमन जल्दी आ, अंकल अंकल क्या हुआ? अमन जल्दी आ, अंकल 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 लड़के को हार्ट अटैक है, कॉल कर, एम्बुलेंस को कॉल कर।
अंकल आप क्यों रो रही हो शांति? इन बच्चों ने तो हमें एकदम सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। माइनर अटैक था, एक आध हफ्ते में एकदम ठीक हो जाऊंगा। देखो खेल विधाता का, जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझता रहा वो हमारे अपने बेटों से भी ज्यादा सगे निकले। माफ करना बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं अंकल, ऐसा मत बोलिए। अब लगता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम लोग यहाँ रहने आ गए। इसी बहाने हमें हमारे बच्चे मिल गए। ये लीजिए, आप लोग ने हॉस्पिटल में जो खर्च किए थे वो। नहीं आंटी, हम ये पैसे नहीं ले सकते। और आप लोग अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें हमारे माता पिता का प्यार दे दीजिए। आ जाओ बेटा। भगवान तुम दोनों खूब खुश रखे, खूब खुश रखे बेटा, खूब खुश रखे। Youngsters are those young architects who can design a new and better world. इसलिए हर youngster से गुजारिश है मेरी कि अपनी जिंदगी को बहुत ही जिम्मेदारी से बिताएं और हर बुजुर्ग की इज्जत करें। फिर वो चाहे आपके अपने घर के बुजुर्ग हो या अनजान हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उम्र का हर पड़ाव हम सबकी जिंदगी में आए। जो आज जवान है कल बुजुर्ग होंगे, तो हमें बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करवाना चाहते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि एक बुजुर्ग को यंगस्टर का फोबिया था। फोबिया किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और संवेदनशील रहें। एम्पैथी इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं प्रेस वाला, याद है कल मैं आया था लेकिन आपने आने नहीं दिया। तुम दोनों अंदर के सेट चले जाओ यहाँ से। ऐसी आनी दादा, चू चपर करने का नहीं, चुपचाप घर में जितना माल पानी है वो और साथ में जो गहने पहनी है वो निकाल के दे दे, वरना प्रेस वाला के साथ साथ चाकू वाला भी है। ए, निकाल अपना रामपुरी। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत ले।